हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केरी की ऐसी खट्टी मीठी लौंजी जो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपको लू से भी बचाएगी। तो चलिए लौंजी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम केरी और इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसके छिलके को उतार लिया है क्योंकि छिलके बहुत ही हार्ड होते हैं। गैस को चला के इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल के डाल देंगे। ये मीडियम वाले चम्मच हैं, छोटे चम्मच से देखा जाए तो ये 4 छोटे चम्मच हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पे हींग डाली है। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से तड़कने देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कटी हुई केरियों को डाल देंगे। केरी को हम अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ढक्कन लगाते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे। अब ढक्कन हटा के देखेंगे कि केरी सॉफ्ट हुई है या नहीं। केरी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। केरी की लूंजी बहुत ही जल्दी और झटपट बनके तैयार हो जाती है। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है कलर के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे तीखी वाली जो मिर्ची होती है वो डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इन सब मसालों को हम चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी और केरी को हम अच्छे से मिलाते हुए ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। अब हमने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। यह 150 ग्राम गुड़ है। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और सारे गुड़ को हम इसमें डाल देंगे। गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो मीठा कम या ज्यादा कर सकते हो। केरी की लौंजी को आप मिश्री या चीनी से भी बना के तैयार कर सकते हो, पर गुड़ की बनी हुई लौंजी बहुत ही टेस्टी लगती है। केरी की लौंजी बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 15 मिनट में ही लौंजी बनके तैयार हो जाती है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है तो इसे हम ढककर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। अब ये देखिए लौंजी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई है। गैस को हम बंद कर लेंगे। ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाले का डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। केरी की लौंजी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, केरी की लौंजी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे रोटी पराठा किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। इस केरी की लौंजी को आप लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हो। इस भरी गर्मी में आप केरी की लौंजी बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और लू से भी आपको बचाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।